हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं बंदर और चिड़िया की प्यारी सी कहानी। बचपन में सुनी थी हमने बंदर और चिड़िया की प्यारी सी कहानी, ये मैं आज बताऊंगा मेरी जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समझदार चिड़िया और मूर्ख गुस्सेल बंदर की कहानी। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम है, ऊपर से बारिश, टूटता ठंड का रात। इस रात में एक डाल पर बंदर बैठा हुआ ठंड से ठिठुर रहा था। दूर कहीं एक डाल से एक चिड़िया बैठ के बंदर को देख रही थी। बंदर बेचारा ठंड में बड़ा परेशान रहता था। तो चिड़िया सोची कि आज तो मैं बंदर को एक समझदारी वाली बात बताऊंगी, उसे घर बनाने का तरीका समझाऊंगी। तो उड़ के आई बंदर के पास। बंदर भैया, मेरे तो हाथ भी नहीं, फिर भी मैं घर बनाती हूँ और सर्दी हो या गर्मी उसी घर में आराम से रहती हूँ। आपके तो हाथ हैं, आप भी घर बनाओ और सर्दी के मौसम में या हो गर्मी का मौसम या हो बारिश, आप उसमें आराम से रहो। उस मूर्ख बेवकूफ़ बंदर को चिड़िया की ये बात समझ ना आई। गुस्से में लाल पीला हुआ बंदर चिड़िया के ऊपर गुस्से से चिल्लाया और जाकर चिड़िया रानी के सुंदर से घोंसले को तोड़ आया। तो बच्चों, समझ में आई ये बात कि मूर्ख को कभी ना दे ज्ञान, नहीं तो आप खुद होगे परेशान।